मैंने ना गलती से बचपन में कील खा ली थी। मम्मी को बोला, मम्मी मैं कील खा गया। मैं कहा एक तो ये कील खा चुका हूँ, उसमें हमदर्दी नहीं, सिर्फ दर्द मिल रहा है मुझे। तो इन्होंने मुझे खिलाना शुरू कर दिया कि अब तो सिर्फ दूध और केले खाएगा। तो जब उन्हें मिली, वो ये करते हुए निकली है बाथरूम से कि क्या स्वाद है जिंदगी। आज के संडे ब्रंच का जोश काफी हाई है, बिकॉज वी हैव द हार्टथ्रोब ऑफ द नेशन जॉइनिंग अस टुडे। ही इज अ पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट जस्ट लाइक दिस एलजी ओलेड टीवी। Finally have you on yes. Sunday brunch. I've been waiting कि मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा, पर पहले तो मुझे बताओ, what is this new look, full daddy and all this next movie के लिए या ऐसे ही? Our looks are at the mercy of the projects that we do here. Right, okay. आप जैसे मैंने imagine किया था ना, उससे ज़्यादा लंबे चौड़े और एकदम मतलब 35 की उम्र में भी बढ़ता बच्चा हूँ मैं अभी तक। बढ़े ही जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा हूँ। आपके घर पे संडे ब्रंच क्या होता है, क्या सीन होता है, घर पर क्या बनता है? संडे ब्रंच यूजुअली तो पराठे बनते हैं, वो होता है, एंड देन इट्स फॉलोड बाय चाय या लस्सी। अच्छा। और लस्सी भी गुड़ वाली इज व्हाट आई प्रेफर। कभी कभी इट्स आल्सो पैनकेक्स। ओके। हाँ, बिकॉज अब हमारी जो धर्म पत्नी है उन्हें पैनकेक्स बड़े पसंद है, जो मतलब एक तरीके से पराठे ही होते हैं। हाँ जी, तो, अंग्रेजों के पराठे मींस पैनकेक्स। Exactly. तो हम पराठों और पैनकेक्स के बीच की हमारा ब्रंच हो जाता है। माय फेवरेट इज छोले और पूरियां। पूरियां जब गरम गरम आ रही होती है और फिर इमली की वो चटनी बनती है। हाँ जी। प्याज के साथ। दैट फॉर मी इज कि उसके बाद मुझे 2 घंटे की नींद चाहिए। आई ईट ओनली इफ आई हैव दैट टाइम एंड दैट स्पेस कि मैं इसके बाद दोपहर की नींद होने वाली। सो आई एम गोना जस्ट प्ले सम फोटोज। Okay. And you have to share your memory associated with it in our special segment, Celebration of Success with LG OLED TV. So, first picture. See? Sunday brunch. पहले तो ये आलू का पराठा है, अच्छा। सफेद मक्खन है एंड दैट आम का अचार। Right. ये है और दही है वहाँ पे। और पराठास मैं on an average it's about like 3 or 4. मैं शायद 5 तक गया हूँ, but I'm not like a big one-time massive eater. चलो, let's look at the next picture then. This is that baby Vicky Kaushal. Yeah, that's me. मुंडन करवाए थे मेरे मुंडन वाले दिन, and मैं बहुत रोया था। बॉल वगैरह कुछ दिया हुआ है, खिलौना दिया होगा ताकि इतना रो रहा है चुप हो जाए भाई, कुछ तो दे दो इसको खेलने के लिए। हमने हिमाचल में एक चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, तो वहाँ पे कहीं करवाया था हमने, आई थिंक शायद। और दिस पिक्चर ऑन द राइट इज फ्रॉम द सेट्स ऑफ संजू। देयर वाज वन स्पीकिंग टू सचिन तेंदुलकर और वो कहते हैं कि मेरी फैमिली से अगर कोई होता है ना स्टेडियम में, सो ही गेट्स वेरी कॉन्शियस एंड ही डजंट प्रेफर इट दैट वे। दैट्स व्हाट आई टेल मॉम। ओके। मैं मॉम के सामने कभी मेरी एक्टिंग नहीं हो सकती, पता नहीं क्यों, लाइक आई हैव नेवर फेल्ट दैट अबाउट दैट। या बट अगर मॉम है सेट पे तो मुझसे एक्टिंग नहीं होती, तो मैं हमेशा उनको फॉल्स प्रॉमिसेस देता हूं कि मैं आपको शूटिंग पर लेकर जाऊंगा, पर जिस दिन कोई गाने की शूटिंग है, जिस दिन मुझे ऐसे परफॉर्मेंस का डर ना हो कि यार कुछ कॉन्सेंट्रेट करना है ये वो, क्योंकि आधा ख्याल ये भी रहता है कि क्या कर रही है, खा रही है ना, ठीक है ना, ये तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। और प्लस मुझे ऐसा भी लगता है कि यार माँ के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते है ना। माँ पकड़ लेते हैं ना, जब भी झूठ भी बोलो या कुछ भी बोलो, सो देन हाउ डू यू डू, वो माँ के लिए मुझे लगता है, बट यहाँ पे हो जाता है काम। ओके, नेक्स्ट। दिस The process of getting this film was कि मैंने audition दिया था, and for a week after giving the audition, I didn't get any call, no message. हालांकि नीरज was a good friend at that time, and हमने साथ में like we were both assistant directors on Gangs of Wasseypur, and I remember it was at about 10:30 in the night. I was sitting at home, mom dad were watching TV inside, and मुझे नीरज का phone आया, and he just मतलब पहले उसने कुछ यहाँ वहाँ की बातें की। फिर मुझे लगा कि शायद दिस इज लाइक अ पोलाइट वे ऑफ जस्ट इवेंचुअली कमिंग टू द पॉइंट कि यार लिसन नेक्स्ट टाइम, बट देन अचानक से बीच में ही सेड कि यार लिसन यू आर माय दीपक। मैंने कहा है, तो फिर मैं बहुत खुश हुआ। आई वेंट टू मॉम एंड डैड, दे वर इन द बेडरूम वॉचिंग टी वी, एंड आई टोल्ड देम कि पिक्चर मिल गई, एंड दे वर वेरी हैप्पी, एंड मॉम
mom started dancing and she gave me a hug and yeah, it was a good evening at the Kaushal household. And usse pehle aap engineering pad rahe the, right? Ye kya hota hai, sare engineering wale students wo nahi karte hain aur kuch aur hi karte hain, matlab hota kya hai aisa engineering college mein? Jo bhi jiske andar bhi thoda sa artist baitha hua hai and he wants to, agar wo engineering ke raste chal jata hai to fir I think wo itna pent up ho jata hai ki use kahin na kahin phatna hota hai. Yaar, my mom and dad in fact they wanted me to take the usual approach of doing ek post grad in the US or somewhere like that. Kisine 9-to-5 job nahi ki hai. Achha, my dad was very proud ki finally ek Kaushal parivar ka ek chirag us raste ja raha hai jo normal hota hai. So when I told him ki mujhe actor banna hai, to he was like, firstly he wasn't very like very very excited about it because he's like, he thought ki just because he is in the field so I'm taking the more convenient route. So he gave me a reality check ki aisa kuch nahi hone wala, it's going to be very difficult and like, you know, there are lots of people having the same dream as yours, so unless you're truly passionate about it, don't come into this field. I love this field, there are some amazing people, amazing opportunities, and I explained to him that, you know, this is what I genuinely feel and I really want to do it. He's never had a problem with anything as long as it's for the right reasons. Yeah. Okay, let's look at the next picture. Oh, this it's was your full family. It was Holi last year and I think we had not stepped out to play anywhere. But we were at home, so humne bas saath mein Holi manayi thi and mazay kiye the. Yeah. I mean, a lot of people and a lot of girls already believe and know that you are a great husband material, to put it simply. So what kind of a person are you in your family, and leaving marriage aside? In my family, we are two brothers, me and Sunny. So kai baar kya ho jata hai ki when there's a family of just men, yeah, the mother is always looking for an outlet for like an emotional expression. Yes. You know, wo bahut hota hai. And luckily, me and my brother Sunny, we don't have much of an age gap. Yeah. It's almost like bachpan se it's been that kind of a sharing of responsibilities between me and my brother. But otherwise, I'm the more like predictable but reliable kind of a person. And Sunny is the more adventurous, fun person. अगर वो किचन में है या कहीं अपने बेडरूम में और उनको बुलाना हो तो वो दोनों के ही नाम बुलाती है, विक्की सनी. हम दोनों पहुंच जाते थे, वैसे नहीं नहीं वो सिर्फ सनी से काम था. मैं अरे पर विक्की सनी क्यों बुला रहे हो, और हमेशा उनके मुंह से ना दोनों नाम निकलते हैं. कभी किसी एक को भी अगर बुलाना हो. आपको घर वर का काम आता है, कभी आपसे बोले कि ये कर लो वो कर लो? सनी खाना बहुत अच्छा बना लेता है. अच्छा. बहुत अच्छा खाना बनाता है. मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, एग्स के साथ जो भी मैं अंडे बना सकता हूँ, बर्तन में बहुत अच्छे मांझता हूँ. बहुत ही अच्छे, और कोविड में यही कर रहा था मैं. बर्तन बहुत अच्छे मांझ लेता हूँ, और हाइट है तो मैं पंखे साफ कर सकता हूँ, और झाड़ू में मार सकता हूँ, पोछे में मेरी हालत खराब हो जाती है, और बाकी वो वाले काम नहीं होते मुझसे. वो जो बेडशीट लगाना वो सब, हाय हाय, वो वाले में मेरी मतलब होता है कि सनी से करवा दो, सनी से करवा दो. काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है आपको. दैट्स व्हाई सेड हस्बैंड. और चाय बना लेता हूं मैं. चाय बना लेती हूं. अच्छा. चाय बना लेता हूं. वो मैंने स्कूल में सीखी थी जब मॉम ने ना योगा शुरू किया था, एंड शी यूज्ड टू गो फॉर योगा. राइट. यार योगा से आके ना चाय पीने की मन करती है, मैं खुद नहीं बनानी मुझे. फिर मैंने सीखी, मैंने चाय बनाई. ऐसा कुछ नहीं, सब चाय बना लेते हैं. नहीं, मुझे नहीं आती इतनी अच्छी चाय बनाना, सो दैट्स अ टैलेंट. चलो शुक्र. आई एम मैरिड इनटू अ पंजाबी फैमिली एंड आई नो दैट हाउ मच द डॉटर इन लॉ इज पैम्पर्ड, सो आई वांट टू नो एज अ डायनामिक्स चेंज. 100% या शी इज लाइक, वो अभी वो जब भी मैं फोन अगर कभी मैं कर लूं मॉम को, तो वो पहला सवाल मेरे बारे में होता ही नहीं है. इट इज ऑलवेज की करीना कितना है, ठीक है, चल ठीक है. पंजाबी फैमिली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ डॉटर इन लॉ, ओनली वो डॉटर ही है. दैट्स ट्रू. एंड दे हैव बीन लाइक, बिकॉज़ आई सेड लाइक हम तो फैमिली में वी बीन टू ब्रदर्स ना, सो दे क्रेविंग फॉर अ आई कैन इमेजिन बेटी. यस, फिर वो अभी बेटी है तो दे आर लाइक मजे आ गए. मजे आ गए. और आज आप संडे ब्रंच पे हो तो हमें मजे आ गए, बट आज हम कर्ली टेल्स वाले आपको पैम्पर करने वाले हैं with the great Indian thali. Great Indian thali. Yes. Chalo. Which is also called the Dara Singh thali at Mini Punjab. और आपको ये पूरा फिनिश करना है. और आप देख सकते हैं, that is the thali. Yes. दो लोग आ रहे हैं उठाने के लिए, so now you can imagine the size of this thali और इसमें क्या क्या है. ये एक फैमिली के लिए है या एक सोसाइटी के लिए? ये अकेला नहीं खाया जाएगा.
देखो इसके लिए ना मुझे एक फैमिली चाहिए होगी. अच्छा. अब मेरी रियल फैमिली तो यहाँ है नहीं. राइट. सो आई वुड लाइक टू कॉल माय रियल ग्रेट इंडियन फैमिली. ओके. टू हेल्प मी आउट विद दिस. और सारे के सारे ना चटोरे हैं. रियली. ओके. खाना मतलब इज द वीक स्पॉट फॉर दिस एंटायर फैमिली. लेट्स कॉल द ग्रेट इंडियन फैमिली. सबसे बड़ा फूडी कौन है? कम कोई भी नहीं है. देखो अपने आप तो कोई नहीं बोलेगा. लेट्स जस्ट आस्क एवरीबॉडी कि उनको कौन लगता है. मनोज सर. ओह. डब्बों में से खाना खाया है वो मनोज जी एंड कुमुद मिश्रा. अच्छा. बड़ा सही खाना. कुमुद जी बड़े भैया. ये छुपे रुस्तम है. ही वेरी करेक्टली पॉइंटेड. इट्स कुमुद जी. अच्छा. वो बहुत छुपे रुस्तम है. उनकी ना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती थी. तो हमारी शूटिंग होती थी गोरेगांव में, एक सेट लगा हुआ था और ये रहते हैं मड आइलैंड. अच्छा. ठीक है. ये खाते सब कुछ है. हाँ. फिर ये पैदल जाते हैं. अच्छा. तो इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई थी. सेट से निकलता था पैदल, उसके बाद किसने देखा. सारे इशारे आप ही की तरफ हो रहे हैं. तो आज आप प्रूव कर ही दीजिए कि आप हैं सबसे बड़े फूडी. मैंने तो कल दोपहर से खाना नहीं खाया है, इसी चक्कर में क्या नहीं मिलेगा. इसके नीचे वो भी लगा देना चाहिए था घूमने वाला, वो जो है जो सामने इतनी दूर है. मुझे लगा मैं उठाने जाऊंगा तो बड़ा ना हो जाएगा ये. अरे भाई ये So we used to have a lot of sessions in the evening कि यार समोसे और चाय पार्टी होती थी हमारी जो legit होती थी. एंड उसमें ना बिल्कुल होता था कि नहीं यार वहाँ के समोसे आने चाहिए और यहाँ का ये आना चाहिए और वहाँ का वो आना चाहिए. So that I used to really enjoy. और खाते खाते जो है अगले दिन का मेन्यू सेट. आज ये हुआ कि बोले अच्छा कल मैं समोसे वहां से ले गया था. एक बार मुझे याद है बीच में लोहड़ी आई थी तो मेरे घर पे वो खीर बनती है गन्ने के रस की, वो आ गया था कभी. फिर किसी घर से कुछ आ जाता था तो दे यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ दिस, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, पॉट पार्टी. पॉटलक बड़ा होता था. मुझे ये जानना है कि अगर आपके रिकमेंडेशंस हैं तो बताएं सबसे अच्छे समोसे कहाँ मिलते हैं बॉम्बे में. यार मैं व्यंजन से लाता था जो ओशिवारा में व्यंजन, मुझे वहाँ के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं. ओशिवारा. या सबसे अच्छी पानी पूरी. अब मुझे लगता है सात बंगला में चंद्रूज है. चंद्रूज बहुत अच्छा. एक ना सिर्फ ट्राई करना मलाड में स्टेशन के ऑपोजिट एक गुप्ता जी करके. ओके. वहाँ पे पानी पूरी सेव पूरी. हाँ. और उनका चीज चिली टोस्ट. ओ और फिर वो कुल्फी भी देते हैं. वो प्रॉपर एक ये काम आप भी कर सकते हैं कि अगला जो प्रमोशन का सेशन है वो वहां रखवाया जाए. हाँ सच में वही करना चाहिए. अच्छा अभी हम एक क्विज करेंगे. आपको मुझे इन सब इंग्लिश चीजों का हिंदी नाम बताना है. ठीक है. सबसे पहला वर्ड क्यूमिन. जीरा. टर्मरिक. हल्दी. पैप्रिका. पैप्रिका इज लाल मिर्च. पाप्रिका लाल मिर्च. लाल मिर्च. सैफरन. केसर. केसर. रेडिश. मूली. मूली. फेनुग्रीक. सौंफ. नहीं 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 मेथी. 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 यस. फेनल इज. फेनल इज. फेनल सीड. अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता. स्नेक गार्ड. वो बॉटल गार्ड होता है. स्नेक गार्ड इज वो तुरई. 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 एग प्लांट. बैंगन. बैंगन. अच्छा. ओबोजीन. इसका मैं हिंदी वर्ड बोलूंगी. अब जिसने इसका करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन किया ना उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. तो मैं खाना शुरू कर देता हूं. मैं खाते वक्त बात नहीं करता भाई. मेरे पेरेंट्स ने कहा था. हिंग. हिंग. ओ लवली. एस 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 टू फोर्टिडा. एस एस टू फोर्टिडा. ओ दैट्स राइट. क्या बात है. क्या बात है. हर फैमिली में बुआ को सब कुछ पता होता है. डोंट क्रॉस बुआ जी. दे गोना प्ले नेवर हैव आई एवर. तो अगर आपने वो किया होगा तो आपने एक सिप लेना है. ओके. तो सबसे पहले अपने घर में अपने पापा के जेब से पैसे चुराए हैं.
ये टेबल ना थोड़ा ज्यादा शरारती है, हम सबने किया उनमें से किसी ने नहीं किया। भगवान रामचंद्र में कब हो गया? घर वालों से झूठ बोला है? ब्लैंकेट पूरा ग्लास खत्म करना पड़ेगा। छाछ और ले आओ भाई। यू डिडंट ड्रिंक एनीथिंग? I don't remember. Okay, maybe. अब ये awkward feel कर रही है। इतनी चीज़ आती, मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ। अच्छा, घर वालों के सामने कभी गाली निकल गई है बात करते करते? पंजाबियों के घर में तो ये तो प्रॉब्लम है। घर वालों की भी हमारे सामने निकल गई है। घर वालों की तो निकलती ही होता हमारे पर। घर में कोई चीज टूट गई खुद से और बोला कि पता नहीं किससे टूटी है, पता ही नहीं चला। बिल्ली से टूटी। अच्छा, आपसे भी? When you have a younger sibling, हमेशा वही तोड़ता है। हमसे भी टूटी है, इसने तोड़ी है। I want to know, ऐसा क्या अलग होता है इंडियन फैमिलीज में जो बाकी फैमिलीज में नहीं है? कभी कुछ होता है तो पहले जो प्यार में जो पहले पड़ती है ना, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने ना गलती से बचपन में कील खा ली थी। पंजाब में हमारा गाँव है, बचपन में वहाँ पे ना लाइट वगैरह बहुत जाती थी। मैं सच्चा हूँ, मुझे किसी ने कहा तुम्हारे में आयरन डेफिशिएंसी, मैंने कहा ये लो। तो मैं पता नहीं क्या खेल रहा था, लाइट गई हुई थी और लाइट आ गई, मैंने पड़क अंदर चला गया। और गांव है ये प्रॉपर, जहाँ 7 बजे दुनिया बिल्कुल बिल्कुल सो चुके हैं। एंड उसमें मैंने फिर मम्मी को बोला, मम्मी मैं कील खा गया। क्या खा गया? मैंने कहा कील खा गया। पहले तो मैं कहा एक तो ये कील खा चुका हूँ, उसमें हमदर्दी नहीं, सिर्फ दर्द मिल रहा है मुझे। और फिर बहुत ज्यादा ये हुआ कि यार अगले दिन फिर हॉस्पिटल लेके गए, एक्सरे निकला तो यहाँ था, मुझे अभी भी याद है। सो दे सेड कि अगर तो 2-4 दिन में अगर तो ये फ्लश आउट हो गया चली गई फिर तो सही है, वरना ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के नाम से खौफ मच जाता है पूरे परिवार में ना। एंड हम जब भी गांव जाते थे तो सारे मौसियाँ चाचा ये वो सब इकट्ठे हो जाते थे, तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ ग्रेट इंडियन फैमिली, 25 लोग आ जाते थे घर पे। अब उनके सबको ना एक मिशन मिल गया, विक्की के पेट से कील निकाल। तो इन्होंने मुझे दूध और केले मतलब से खिलाना शुरू कर दिया कि अब तो सिर्फ दूध और केले खाएगा। दिन में इतनी बार मैं जाता था बाथरूम, बट द स्टोरी डजंट एंड देयर। देखो अपना काम तो सिंपल था, उसके बाद किसी को चेक भी करना था। ओह गॉड, हम तो बच्चे, हम तो भैया काम वाम निपटा के चलो। फिर मेरी एक मौसी, मेरी एक मासी है जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि ये बहुत ही गलत टाइम है ये सब बात कर। पर उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि मैं चेक करूंगी। बब्बे मासी उनका नाम है, अरुणा नाम है उनका, पर हम प्यार से बब्बे मासी बुलाते हैं। आई लव यू बब्बे मासी। तो जब उन्हें मिली, सर वो जो खुशी थी ना, वो जो एड आती थी ना, वो ये करते हुए निकली है बाथरूम से कि निकल गए, क्या स्वाद है जिंदगी। वो जो खुशी की लहर थी ना, अब मेरे को बता दो ये अगर इंडियन परिवार के अलावा कहीं और ये होता, कहीं नहीं हो सकता। ये इंडियन फैमिलीज का जो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट है वो उनके लिए बड़ा एलियन होता है, बट अच्छी भी चीज है क्योंकि यू नेवर फील अलोन, सो देयर इज ऑलवेज, यू आर ऑलवेज शेयरिंग एवरीथिंग। That's what I like about Indian families. Yeah. Everything. हाँ, privacy जैसी कोई चीज़ है, कभी भी लात ना, ओए की कर रहा है। और ना सबके pet names होते हैं, आपका क्या था pet? मेरा pet name Pinky. Pinky! Hey! So sweet. Because you were pink. आपके cheeks से matching है. I don't know. मेरा गौरी, पता नहीं क्यों. गौरी? हाँ, क्योंकि मेरे नानी को नाम बहुत पसंद था. My mom calls me Rani. क्या बात है? And बाकी के लोग साई. साई सादिया का शॉर्ट साई। अच्छा, मेरे नाम की भी एक स्टोरी है, बताओ। आपका जो शो है ना हम लोग, उसमें एक कामिया है शो में, तो मैं बचपन से अपने नाम का मतलब पूछ रही हूँ अपनी मम्मी को, कहते नहीं नहीं हम लोग में एक कामिया थी, उसी की वजह से तेरा नाम रख दिया है कामिया। दोस्त कद्दू बुलाते हैं, कद्दू। दादी पटवारी और माँ बाप मुन्ना। और वाइफ मूड के हिसाब से। आमतौर पे तो अक्कू कह दिया जाता था। अच्छा, पर पितुश्री, माय फादर यूज्ड टू कॉल मी अल्कोहल। व्हाट? अल्कोहल। अल्का से, हाँ अल्का से उन्होंने अल्कोहल बना लिया था। अल्कोहल नहीं बोलते। काफी कूल नाम है आपका। जी, लेट मी गेस, मन्नू। मानू तो शॉर्ट फॉर मानुषी, राइट। लेकिन मेरे नाना मुझे मन्नड़ बुलाते हैं।
प्यार से मन्नड हाँ और मेरी बहन मुझे लड्डू बुलाती है I have no idea why but we also can't understand why नहीं पर जब मैं पैदा हुई थी तो everyone was saying कि मैं बहुत गोलू मोलू थी तो मेरी सिस्टर के लिए मैं लड्डू ही हूँ हमेशा से फिल्म का एक सीन है उसमें फिल्म का ये सीन है कि कुछ नाराजगी चल रही है और मैं गुस्से होके ना घर से बाहर जा रहा हूँ और वो इनफैक्ट वो शॉट ट्रेलर में भी है कि I saw. मनोज सर दरवाजा बंद कर रहे हैं और मैं गुस्से होके बाहर जा रहा हूँ तो सीन की कोरियोग्राफी जब रिहर्सल होती है कि कैमरा वैमरा के लिए तो ये तय किया गया था कि फैमिली दरवाजे की इस तरफ ही रहेगी और मैं निकल जाऊंगा ताकि स्मूथली मनोज सर बोले कि ओके गुड बाय दरवाजा बंद हो जाए और वो लंबा सा सीन था झगड़ा वगड़ा होके बाहर आते हैं राधिया जी इतना कैरेक्टर में थी टेक द टेक दरवाजे के बाहर आ जाए पहला टेक हुआ साधे जी दरवाजे के बाहर आ जाए और मनोज जी किसी तरह उन्हें अंदर खींचे और फिर ये करें जबकि जबकि चाहिए था कि जैसे ये लड़का बाहर निकले और ठम से दरवाजा बंद एक टेक दो टेक तीन टेक फिर बाद में जब चौथे टेक में भी साधे जी बाहर की अरे बेटा रुको करके वाला हुआ तो मनोज जी ने खींचा नहीं उनसे पूछा तुम आओगे कि तुम भी जाओगे And he just like burst out laughing. मैं जानना चाहूंगी एक कोई ऐसा मैसेज जो आपकी फैमिली ने आपको दिया हो और यू स्वेयर बाय इट कि आप हमेशा वो अपना एक प्रिंसिपल या एथिक हमेशा याद रखेंगे दे सेड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी पर ये मत भूलो कि कहां से आए हो और उसको फुल पूरी शिद्दत के साथ करो मैं कर्मों में बहुत मानता हूँ कि कर्म ना घूम फिर के आते हैं जो भी आपके कर्म तो वो कर्मों में I personally try and do something कि जहाँ ना मुझे नींद अच्छी आ सके और कॉन्शियंस मेरा साफ रहे सच्चा रहे ऑफकोर्स आपसे गलतियाँ होंगी आप किसी को हर्ट करोगे अनजाने में कुछ होगा एज लॉन्ग एज वो गलती से हुआ सिखा तो खैर घर वाले सब देते हैं अब आप क्या सीखते हो और सही बात है That's true. Now we've seen you all in so many OTTs, films. आप मुझे बताएं आप टीवी पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं अगर मैं घर पे हूँ तो एक से डेढ़ घंटा खाने के बाद मैं फिर अच्छा अगर इफ नॉट वर्किंग जब शूटिंग नहीं चल रही होती तो वो आई लाइक टू एंड द डे विद कि यार थोड़ा सा टीवी देख लिया खाना खाते खाते देन जस्ट हिट द बेड तो आधा पौना घंटा वन एपिसोड ऑफ अ शो और समथिंग लाइक दैट इट वॉज वंडरफुल एंजॉइंग दिस थाली अब आप लोग ने ये खाया नहीं है हमें कैमरा ऑफ होने के बाद ये सारा कुछ खत्म कर जहाँ जहाँ भी जाते थे जो बज के पैक करा अगले दिन का लंच पे आने के बाद ना हमें बिस्तर चाहिए और वो उठा के आप बाहर लेके जाते हैं It is only about food and travel content. I am Vicky Kaushal. You can watch this interview first and ad-free on the Curly Tales app. Download it now. Download it now. Like, share, subscribe, comment. Love you. thank you so much. बहुत मजा आया आज के Sunday brunch में. I would also like to thank our viewers and I hope you enjoyed watching this episode of Sunday brunch. And more importantly, also like to thank our sponsor, the one and only LG OLED. Experience the magic of cinema, sports and gaming with unparalleled realism on LG OLED TVs. The sheer beauty of OLED technology is awe-inspiring. LG offers the most extensive selection of OLED TVs, ranging from the world's smallest 42 to the impressive 97 display. Whatever your space and preference, there's an LG OLED for every room and every individual.